नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं टीजीटी स्पेशल क्लासेस में टीजीटी 2004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेशी जनक। व्यक्ति का हृदय पेशी जनक होता है। बल्टी बेटो जैसे मेढक, खरगोश इत्यादि का हृदय पेशी जनक होता है। अकशेरुकी का हृदय न्यूरोजेनिक होता है, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके प्लाज्मा में घुला हुआ, ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। हीमोग्लोबिन केंचुआ के प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है। यह द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है, शरीर अनेक खंडों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति परास दर्दाबीय घोल में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आकार में सुकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कीटों में यूरिक अम्ल स्थायी रूप से संचित होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बसा पिंडकों में, पिंडकों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेडपोल में थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह ऑप्शन नंबर बी जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसकी व्याख्या है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स मेंढक के कायांतरण को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि को मेंढक के गले से निकाल देने पर कायांतरण नहीं होगा और टेडपोल जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैमेलियन परीक्षणों में शुक्र जनन नियंत्रित किया जाता है, इससे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाली केले उद्दीपन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंढक में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खरगोश के मस्तिष्क में। तीसरा वेंट्रिकल खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है। डायंसी फैलान डायमंड के आकार का होता है, यह जोड़े में नहीं होता। इसके अग्रसिरे सेरेब्रल हेमी स्फियर के पश्च भाग से ढका होता है। डायंसी फैलान खोखला होता है। इस गुहा को वर्थ वेंट्रिकल या डायोसील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, मेंढक में कपाल का फर्श बनाता है एक बड़ी आकार की अस्थि द्वारा, जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पैरास्फेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकांग जिनमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है, ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिकांग है जिसमें वायु श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा के रूप में होती है, इसका निर्माण एवं अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। ऑक्सीजन की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगम एवं फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम या F1 कण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन प्रक्रिया के दौरान ऑप्शन नंबर ए दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिकांग जिनमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए और आरएनए के बीच सामान्यता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी व्याख्या जान लेते हैं, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए में डी ऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। पिरिमिडीन 4 यूरेसिल आरएनए में पाई जाती है जबकि डीएनए में थायमिन पाई जाती है। डीएनए को द्विचक्राकार संरचना होती है जबकि आरएनए एक चक्राकार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप रखे जाते हैं तो मुश्किल से कोई क्रॉस ओवर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, व्याख्या। जब एक गुणसूत्र में दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप हों तो मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है। जब एक गुणसूत्र का जीन एक दूसरे के समीप नहीं होते हैं या दूसरे क्रोमोजोन जोम पर होते हैं तब रिकॉम्बिनेशन आवृत्ति 50% होगी। यह दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं तो वे एक स्वतंत्र अपव्यूहित नहीं कर पाते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुतम कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में कुछ पढ़ते हैं, व्याख्या है। राइबोसोम कोशिका का सबसे लघुतम कोशिकांग है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए व प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबो न्यूक्लिक तो प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी नितल स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी नितलस्थ। क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जानवर जो समुद्र के तल में रहता है उसे नीलस्थ कहते हैं। अम्बुदी वह जीव जंतु जैसे प्लैंकटन्स और नेक्टन जो खुले जल झील व समुद्र में पाए जाते हैं। लोटिक जो जीव व जंतु बहते हुए पानी में पाए जाते हैं उन्हें लोटिक कहते हैं, जैसे नदी स्ट्रीम आदि में पाए जाने वाले जीव जंतु। लेंटिक सरोजी भी जब जीव व जंतु स्तर जल स्टैंडिंग वाटर जैसे तालाब झील आदि में पाए जाते हैं तो उन्हें लेंटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलमग्न जलोद्भिदों में निम्नलिखित में से क्या रहता है। ऑप्शन नंबर सी आकाशीय क्षेत्र। व्याख्या है इसकी, जलमग्न जलोद्भिदों में आकाशीय क्षेत्र पाया जाता है। ये जल के अंदर रहते हैं। प्रारंभ में इनका संपर्क तली से रहता है परंतु बाद में यह संबंध टूट जाता है तथा ये जल के अंदर तैरते रहते हैं। इसका बाहर की वायु से संपर्क नहीं रहता है, जैसे सेराटो फिल्म हाइड्रेक्स हाइड्रिल्स आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुविकसित। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वायुतकी तंत्र। व्याख्या है, जलीय पादपों में सामान्यतः एक सुविकसित वायुतकीय तंत्र पाया जाता है। ये जलीय पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। जलोद्भिद में पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों में पर पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे पूर्णतया जल निगमन होते हैं अथवा इसके कुछ भाग जैसे जड़ प्रकद आदि पानी के संपर्क में होते हैं। जलीय पौधों का शरीर जल के संपर्क में रहता है जिससे जल अवशोषण के लिए जड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती है, अतः जड़ें बहुत कम विकसित अथवा अनुपस्थित होती हैं। मूल रोम तथा मूल गोप अनुपस्थिति अथवा कम विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलमग्न रंध्र पाए जाते हैं इनमें। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मरुद्भिदों में। व्याख्या है, जलमग्न रंध्र मरुद्भिदों पौधों में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे पानी की कमी वाले स्थानों पर आते हैं, जैसे उदाहरण है नागफनी धिंगवार ब्रायोफिल्म कनेर मदार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन तो उत्परिवर्तन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, व्याख्या है हमारी, जैव परिवर्तन का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन है। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक व वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन यों
प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, लेकिन कुछ कारकों द्वारा बहुत उच्च आवृत्ति में उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। इस आधार पर उत्परिवर्तन को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। यथा अर्थात पहला है स्वतः उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर ए वन। तो वन के बारे में, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरणीय स्रोत वन है। ऊर्जा के दूसरे नवीनीकरणीय स्रोत पेट्रोल प्लांट, प्लांट बायोमास, ईंधन गैस, मवेशियों के गोबर, सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूक्षरण को रोका जा सकता है ऑप्शन नंबर बी अच्छा पौध अच्छादन द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा लेगुमिनोसी। इसके बारे में जानते हैं, कृषकों द्वारा उपयोग की जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः लेग्यूमिनोसी कुल होते हैं। इस कुल के बहुत से पौधों को केवल खेत में नत्रजनन की मात्रा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, तथा फिर उन पौधों को खेत में हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे क्रोटोलेरिया, जुंसिया, ट्राइकोनेला, फेनम, ग्रेसियम आदि। 24 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था, ऑप्शन नंबर डी स्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए 46%। इसके बारे में जानते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। सामान्यतः पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता केवल कुछ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं व नीले हरे शैवाल में होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने जीवद्रव्य में कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपने अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दलहन फसल उगाई जाती है, दो अनाज फसलों के बीच में इनकी इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा नाइट्रोजन की क्षति। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, नाइट्रोजान लिख दिया है, नाइट्रोजन की क्षति। दलहन फसल के जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनी सोरम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और पौधे में नाइट्रोजन की उपलब्धता बनाए रखता है। अतः नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति के लिए दो अनाज फसलों के बीच में एक दलहन फसल उगाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, ये तो हो गया है। नेक्स्ट, एक परितंत्र में अजेय घटक है, यह है ऑप्शन नंबर ए सही होगा जल, एक अजैव घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30। इपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर इनके लिए बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आश्रय। व्याख्या है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर आश्रय के लिए उगते हैं, ठीक है, परंतु उसमें भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। पत्तियों में पर्णहरिण पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आमतौर पर एपीफाइट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलते हैं, जैसे आर्किडिस। इनमें हवा में लटकती हुई जड़ें मिलती हैं, इनमें विशेष प्रकार का ऊतक वेलामैन मिलता है। यह वायुमंडल की आर्द्रता को अवशोषित करके पानी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बढ़क जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर बी एंथोसायनिन। व्याख्या है इसकी, एंथोसायनिन बढ़क जल में घुलनशील है, जबकि कैरोटिन एंथोफिल
क्लोरोफिल जल में घुलनशील नहीं होते हैं। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण और पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। नीले, बैगनी तथा गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है इससे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या है। फ्लोएम हमेशा एक शर्करा स्रोत से एक शर्करा सिंक से प्रभावित होता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इसे ऊतक बास्ट कहते हैं। इनमें निर्माण में चार प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं तथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार में होता है यह एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक। लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है जो पके हुए स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड्स में बदल देता है। सीन जो होता है, यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। आगे है रेनिन, रेनिन क्या होता है, यह दूध की विलेय को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, यह काइम की विशेष प्रोटीन तथा पेप्टॉन का विलय अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार में होता है यह एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी कंठ, तो इसके बारे में आगे जानते हैं। वोकल कार्ड कंठ में पाया जाता है। वोकल कार्ड को बायक या स्वरज्जु कहते हैं। ये रज्जु थायराइड उपस्थित को सेरिटिनाइड उपस्थितियों से जोड़ते हैं। फेफड़ों से बाहर निकलते हैं समय जब वायु अर्थात स्वर रज्जुओं के बीच से निकलती है तो इसमें कंपन होता है, इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती है, नंबर सी केशिका, 36 नंबर है कार्डिडेंटनी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हृदय के निलय में। व्याख्या है, कार्डिडेंटनी हृदय के निलय में पाए जाते हैं, इसकी संरचना वायरक्स जैसी है। यह पैपिलरी पेशियों में से निकलती है और वाल्व तक पाई जाती है। यह डेंडनी वाल्व संतुलित अवस्था में बनाई रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बेस्ड अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना मुख्यता होता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एकरत में। व्याख्या है, प्रोटीन बेस्ड अमोनिया में का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है जिसे आर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र कहते हैं। यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अमीनो अम्लों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहलाती है। इसमें अमोनिया बनाती है जैसे एलेनिन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोग करके अमोनिया तथा फायरूविक अम्ल के दो दो अणु बनाते हैं। बाद में फायरूविक क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ऊर्जा उत्पादन करता है। अन्य प्रकार के कार्बनिक अंश बसीय अम्लों ग्लाइकोजन आदि में बदले जा सकते हैं। इनके अलावा यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर आर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण नियंत्रित है इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टेम्पोरल लोबस। व्याख्या है इसकी, श्रवण नियंत्रण मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब द्वारा होता है। सेरिब्रम चार भागों में बांटा जाता है या बटा होता है। इससे क्रमशः फ्रंटल पाली, पेराइटल पाली, टेम्पोरल पाली तथा ऑक्सीपिटल पाली है, जिसमें टेम्पोरल पाली का कार्य श्रवण का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, थिग्मोट्रोपिज्म ठीक ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतानों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मक अंग एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक
ऑक्सिन। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कर्मक अंग एक शाकनाशी है जिसके अंतर्गत सिंथेटिक ऑक्सिन आता है। कई सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे 2,4-D, 2,4 इत्यादि का प्रयोग शाकनाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बीजाणु। व्याख्या है इसकी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण का बीजाणु जो कहते हैं, यह 6 से 15 मीटर लंबा होता है। इसके कोशिका द्रव में कई अनियमित आकार की बड़ी बड़ी अंकुचनशील रिक्तिकाएं बन जाती हैं। संतति केंद्र रिक्तिकाओं के किनारे किनारे सज जाते हैं और प्रत्येक के चारों ओर और थोड़ा सा कोशिका द्रव एकत्र हो जाता है। अगले 2-3 दिन में प्रत्येक के चारों ओर का कोशिका द्रव तकबे के आकार की संरचना के रूप में लेकर निकटवर्ती रिक्तिका में लटक जाता है। इन्हीं नन्ही संरचनाओं को बीजाणुज या स्पोरोजोएट्स और इसके प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, युग्मनज। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक आपस में संयोग कर युग्मनज बनाते हैं या बनाती हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध। ऑप्शन नंबर सी पाचन। व्याख्या है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध पाचन से होता है। अमीबा की भांति पैरामीशियम पूर्णभोजी या जंतु संभोजी होता है। भोजन अंतग्रहण उपकरण द्वारा यह जीवाणु सूक्ष्म अकार्बनिक कणों आदि का अंतग्रहण करके खाद्य धमनियों में इन्हें पचाता है। पाचन के समय खाद्य धमनियां अंदर गोल आकृति में घूमती हैं, जिससे भोजन का पाचन संपन्न होता है। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धमनियां का कोशिका गुद नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर ही बहिष्कार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी स्टार्च को छोड़कर। स्टार्च के आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर है, एक्सकेरिस में उत्सर्जन अंग इस आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी एस्कारिस का। तो इसकी व्याख्या जानते हैं, एस्कारिस का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, अर्थात एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोष दीय परजीवी होता है, जबकि प्लाज्मोडियम टेपबार्म लीवर फ्यूक का जीवन चक्र द्विपोषदीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में एकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी रेणुपीत कोशिकाएं। व्याख्या इसकी, केचुए की रेणुपीत कोशिकाएं की वही भूमिका होती है जो कशेरुकियों में एकृत की होती है। क्लोरोगोगेन कोशिका को एलो कोशिका भी कहते हैं। यह उत्सर्जन में सहायक होती है। यह एकृत के साथ समरूपता या सादृश्यता प्रदर्शित करती है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैल्पिगियन नलिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी कीटों के उत्सर्जनी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी तितली। पूर्ण कायांतरण तितली घरेलू मक्खी मच्छर मोथ आदि में पाया जाता है, जबकि खटमल ग्रास हॉपर इसको टिड्डा कहते हैं एफिडस में प्रायः ग्रेजुअल मेटाफार्मिसिस पाया जाता है। नेपिस्मा में मेटाफार्मिसिस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाउपर ग्रंथि होती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी खरगोश। डाउपर ग्रंथि मादा खरगोश में पाई जाती है। मादा खरगोश में एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि पाई जाती है, जो वेस्टिब्यूल के पृष्ठ ये दीवार में धसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शुतुरमुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जल से बाहर कर देने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी वे श्वास नहीं ले पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी गोलार्ध पीतकी। तो पक्षियों के अंडे को गोलार्ध पीतकी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल्स कार्टिलेजिनस और बोनी प्रकार की मछलियों में भी पेलोलेसिथल प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, मैमेलियन थाइमसन का संबंध मुख्यतः होता है इससे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। हाइबरसियन विशाखाएं होती हैं इनमें, ऑप्शन नंबर सी अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हाथी के दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ऊपरी कृंतक। नेक्स्ट, वह विटामिन जो साधारणतया मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। व्याख्या इसकी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है जो साधारणतया मानव द्वारा पेशाब से बाहर निकाल दिया जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू संतरा मौसमी आलू टमाटर हरी मिर्च। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का पूरा नाम एस्कर्विक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति में विटामिन B6 जो कि कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रक्तता। विटामिन B6 की कमी से रक्त छीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, मिचली, कय, पथरी आदि रोग हो जाते हैं। आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, अतः इसकी प्रायः कमी नहीं होती। विटामिन B6 का मुख्य स्रोत दूध, अनाज, मांस, मछली, जिगर, ईस्ट, सब्जियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल पित्त वाहिनियां का कार्य किसे ले जाने का है, मेल पित्त वाहिनी का कार्य किसे ले जाने का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको टेलम है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक ढाल आकार का कार्टिलेडन। व्याख्या है इसकी, इसको लेटम एक ढाल के आकार का कार्टिलेडन है। बीज पत्र बहुत से पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधों के पहले पत्तों का रूप धारण कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक एनजीओ स्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, तो मूल की प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है इससे, ऑप्शन नंबर बी टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस से टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। टेक्टोना ग्रैंडिस को सामान्य भाषा में सागौन कहते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, खेल सामान व दरवाजे आदि बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक संतुलन को ठीक करता है, ऑप्शन नंबर सी रवाल्फिया। सर्पेंटाइना की जड़ से रेसरपीन नामक एल्केलाइड प्राप्त किया जाता है।
जिसका प्रयोग मानसिक असंतुलन को ब्लड प्रेशर क्रोनिन मेंटल इलिनेशन नामक बीमारी से निजात पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इससे, ऑप्शन नंबर सी अध्यावरण। तो निषेचन के बाद बीजावरण अध्यावरण द्वारा विकसित होता है, अर्थात अध्यावरण में बीजावरण का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है, इनके बीच, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा, विभज्योतिकी। विभज्योतिकी में माइटोटिक विभाजन के कारण पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं। उच्च वर्ग के पौधों में वृद्धि कुछ विशेष भागों में सीमित रहती है, पौधों में विज्योतक कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर विज्योतक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बीज पत्रीय में कलम बंधन संभव नहीं है क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इनमें प्रकीर्णन संवहनी बंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइलोसिस होता है इनमें, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक जाइलम। टाइलोसिस विभिन्न प्रकार के पादपों में पाया जाता है, संरचना में गुब्बारे जैसी बाहरी उभार होते हैं, इनका निर्माण द्वितीयक जाइलम द्वारा होता है, परिचर्म में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क तथा द्वितीयक कार्टेक्स। व्याख्या है इसकी, परिचर्म कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और द्वितीयक कार्टेक्स से मिलकर बने होते हैं। द्वितीयक वृद्धि में द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम के बनने से तना मोटाई में बढ़ता है, इन नए ऊतकों के बनने से परिधि के ऊतकों पर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बाह्य त्वचा कहीं कहीं पर कट जाती है। परिधि के ऊतकों की रक्षा हेतु पेरीडर्म का निर्माण होता है। कार्टेक्स या अन्य ऊतकों की पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है, जिससे कार्क कैम्बियम या फ्लोजन बनता है। कार्क कैम्बियम से पेरीडर्म बनती है, पेरीडर्म कार्क, कार्क कैम्बियम तथा द्वितीयक कार्टेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है, यह है, ऑप्शन नंबर बी अंतः शोषण। तो देखिए इसकी, जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह अंततः अवशोषण क्रिया द्वारा जल बीजावरण में प्रवेश करता है। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो इस क्रिया को अंततः शोषण कहते हैं। उदाहरण, बीजों को जल में रखने पर फूल जाना तथा बरसात के दिनों में नमी के कारण खिड़कियां, मेज तथा लकड़ी के दरवाजे आदि का फूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के एक प्रोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजक या उत्तेजन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के चक्र के बीच की कड़ी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। व्याख्या इसकी, एसिटिल को एंजाइम ए ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पाइरूविक अम्ल से CO2 के एक अणु तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु को एंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटल को एंजाइम ए बनाता है। एसिटल को एंजाइम ए अब कोशिका में उपस्थिति
ऑक्सैलो एसिड अम्ल व जल से क्रिया करके साइट्रिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें श्वसन विभाग एक से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं गया है, व्याख्या हम देखते हैं फिर सत्य है, अर्थात दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा, अर्थात ए और बसाओं में और प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैष्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी शर्करा, शर्करा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीप्तकालिता का संबंध किसके संश्लेषण से है। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या, दीप्तकालिता का संबंध फ्लोरीजेन के संश्लेषण से है। पौधों के फलने फूलने वृद्धि प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रियाओं को ही दीप्त कलिता कहते हैं। दीप्त कलिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर तथा एलार्ड 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्गन परत बनाता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पैरेन्काइमी कोशिकाएं, व्याख्या है इसकी, बिल्गन परत का निर्माण पैरेन्काइमी कोशिकाओं से के द्वारा होती है। फल व पत्ती इत्यादि पकने पर झड़ने लगते हैं, यह क्रिया दंत के नीचे बिगलन परत बनने के कारण होती है। यह ऑक्सीन की एक विशेष सांद्रता इन पर छिड़की जाए तो बिलगन की क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिमोसा प्यूडिका के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पड़ाधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या, मिमोसा प्यूडिका के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब परिवर्तन हो जाता है। छुई मुई का स्पर्श से पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को कंपाकुचन कहते हैं। यह पत्रक तथा फूले हुए पर्णाधार के ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थानों से परासरण के कारण होता है। मृदूतक स्फीति तथा सलथ हो जाता है। पत्राधार के नीचे के अग्रभाग में कोशिकाएं पतली भित्ति की तथा अंतराकोशिकीय स्थान बड़े होते हैं, जबकि इसके ऊपर के भाग में अंतराकोशिकीय स्थान कम तथा कोशिकाएं मोटी होती हैं। उद्दीपन मिलने के साथ साथ ही कोशिकाओं से जल अंतराकोशिकीय स्थान में आ जाती है तथा कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं। इस प्रकार सलथ स्थिति में पत्ती बंद हो जाती हैं तथा लटक जाती हैं और स्फीत स्थिति में खुल जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके फाइटोक्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, आवृत जीवी में फाइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजिन किससे उत्सर्जित होने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विकसित डिब्बे, पूर्ण विकसित डिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी। ऑप्शन नंबर बी द्रव अंतः शुक्राणु है। कच्चे नारियल का दूधिया पानी द्रव एंडोस्पर्म होता है। नारियल के केंद्र में एक गुहा होती है जिसमें साफ तरल के रूप में नारियल का पानी पाया जाता है। तब उस समय पौधा हरा भरा रहता है। नारियल की उम्र बढ़ने के साथ साथ साफ तरल पदार्थ ठोस मांस जैसी संरचना में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी। मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन पाई जाती है। मधुमक्खी में नर मक्खी और ड्रोन्स अगुणित होते हैं जो अनिषेचित अंडे से बनते हैं। इनका विकास पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, जबकि रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी द्विगुणित होते हैं जिनका विकास निषेचित अंडे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, जीन के एक बेस में परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन में जीव के एक बेस में परिवर्तन होता है। डीएनए अणु के
संकेत सूचना संवाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं। इन जीनों के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम बदल जाते हैं और अनुवांशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रभावित हो सकते हैं। जीन स्तर के इस उत्परिवर्तन की निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं। पहला है मूक जीन उत्परिवर्तन, दूसरा है लुप्त बोध उत्परिवर्तन, निषेध बोध उत्परिवर्तन, चौथा योजना विस्थापन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के मलजल संदूषण को इसके क्रमिकोषों द्वारा दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंट अमीबा। व्याख्या है, एंट अमीबा एक अंतः परजीवी है जो मनुष्यों में अमीबी प्रवाहिका या का संक्रमण करती है। अमीबी प्रवाहिका से संक्रमित व्यक्ति में के मल से निकलने वाले क्रमिक कोष जल के मलजल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लक्षणिक विशेषता है इसकी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रूसीफेरी। पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था क्रूसीफेरी की एक लाक्षणिक विशेषता है। टेट्राडाइनेमस अवस्था में पुष्प में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, जिनमें 2 पुंकेसरों के तंतु छोटे तथा 4 के लंबे होते हैं, जैसे सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास इस परिवार का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मालवेसी। व्याख्या है इसकी, कपास मालवेसी फूल का है सदस्य है, ठीक है, सदस्य है। मालवेसी फैमिली में पुष्प क्रम सामान्यता सीसिमाच मिलता है। एकल कच्छस्थ जैसे गुड़हल, एकल पड़ सम्मुख जैसे कपास, रेशम जैसे आल्थिया रोसिया अथवा पेनिकल जैसे काइडिया आदि में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त दिखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी सेंटीपीड। रक्त गुहा देखने के लिए सेंटीपीड जानवर को चुनते हैं। सेंटीपीड फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं जो वर्ग चिलोपोडा से संबंधित हैं। जीव लंबे शरीर समान रूप से खंड युक्त व संधि युक्त पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं इससे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काइटिनी क्यूटिकल्स। व्याख्या है इसकी, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण काइटिनी क्यूटिकल्स से ढके होते हैं। यह रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त तथा टांगें जोड़दार होती हैं, इसीलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें ऑप्शन नंबर सी पैर स्थित होता है सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। व्याख्या है, सांप सरीसृप वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत सभी जंतु जमीन दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इन्हें रेप्टाइल कहते हैं। इनमें अनेकों प्रकार के छिपकली सर्प घड़ियाल तथा कछुए अजगर स्फेनोडॉन आदि आते हैं। जंतुओं का शरीर
स्थलीय जीवन के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूलित होता है। कुछ जातियाँ जैसे मगर, घड़ियाल, एलिगेटर, कछुआ आदि पानी में रहते हैं। जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता है, अर्थात ये असमानुपाती होते हैं। करोटी के केवल एक ही अनुकपाल अस्थिकंद होता है। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं केंद्र युक्त पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। डिप्लोब्लास्टिक अगोहिक अवस्था पाई जाती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समुद्री एनीमोन। व्याख्या है, समुद्री एनीमोन पाइलम सीलेंट्रेटा के जंतु हैं। सीलेंट्रेटा के सभी जंतु डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट होते हैं। शरीर का बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा एक्टोडर्मिस तथा भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। इन दोनों के बीच में अकोशिकीय मीसिया ग्लैसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, TMB। व्याख्या है इसकी, TMB ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक है। यह सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होता है। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति पड़ा रहता है, लेकिन सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उनमें रोग उत्पन्न होने व अपने पोषण प्राप्त करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। व्याख्या है, एक जीवाणु भोजी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन के द्वारा बाह्य संरचना का निर्माण होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल से आंतरिक संरचना का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है, यह ऑप्शन नंबर ए जीवाणु कोशिका। व्याख्या है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसके कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोर पर कसाम के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को स्थिर रखने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु है, यह ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होंगे, एक्जोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम दोनों होंगे, ये दोनों बी और सी। ठीक है, ये इसकी व्याख्या जानते हैं। व्याख्या के बारे में, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन को स्थिर रखने में सक्षम सहजीवी जीवाणु एजोटोबैक्टर व क्लोस्ट्रिडियम है। ये ल्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाई जाती है, जैसे राइजोबियम, ग्लेयुमिनोसेरम। इन जीवाणुओं में वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की सामर्थ्य होती है। राइजोबियम ग्लेयुमिनोसेरम जीवाणु पौधे के साथ सहजीवन व्यतीत करता है। यह जीवाणु मूल रोम द्वारा जड़ में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से बलकुट की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और गांठें बनती हैं। नई बनने वाली कोशिकाएं चतुर्गुणित होती हैं, जबकि अन्य कोशिकाएं द्विगुणित रहती हैं। इन गांठों में लेग
हीमोग्लोबिन नामक लाल बर्डक भी पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष रूप से सहायक है। जिन गांठों में यह नहीं होता वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्चेगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर है। ऑप्शन नंबर ए स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ठीक है। यह क्या है, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर स्पोरोफाइट होता है जो जड़ तना व पत्तियों में विभक्त रहता है। टेरिडोफाइटा पहला स्पोरोफाइटा संघ है। यह एक वैस्कुलर पौधा है जिसमें वैस्कुलर ऊतक जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफच परागकण पाए जाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी पाइनस, सफच परागकण पाइनस में पाए जाते हैं जो बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायता करते हैं। परागकण एक सूक्ष्म संरचना है जिसमें नर जनन कोशिका पाई जाती है। यह पौधे की निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में तना प्रतानु में संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी पैसिफ्लोरा नामक पौधों में तना प्रांतों में संशोधित होता है। पैसिफ्लोरा नामक पौधे का तना चिकना या रोमिल होता है जिनमें कई टेंड्रिल पाए जाते हैं। पत्तियां अल्टरनेट और पलमेटली और तीन या पांच लोबेड होती हैं। फूल में पांच नीली सफ़ेद पंखुड़ियां पाई जाती हैं। 104 एक फाइलोक्लैड संशोधन है। इस एक का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तना। देखें, फाइलोक्लेड तना का परिवर्तित या संशोधित रूप है। कुछ मरुद्भिद पौधे में तना बड़ा मांसल होते हैं और एक पत्ती जैसा कार्य करता है जिसे फाइलोक्लेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिकस रिलीजियोसा में परागण प्रभावित होता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कीट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, मानव रक्त समूह ए बी और ओ का एक उदाहरण है इसके। ऑप्शन नंबर डी बहुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदीय। ऑप्शन नंबर सी कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स जो प्लाज्मा में छिद्र बनाते हैं यह हैं। ऑप्शन नंबर बी संघारक टी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी पादपों में ट्रैपों में होता है। ऑप्शन नंबर बी पाचक एंजाइम। मांसाहारी पादपों में ट्रैपो एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है। जब कीट पादप के ट्रैपों में पहुंचते हैं तो यह एंजाइम स्त्रावित होता है और इसका पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रभावी जीव जीनों के कारण होने वाले रोग। ऑप्शन नंबर ए सिंड्रोम्स होता है। बहुप्रभावी जीनों के कारण होने वाले रोग को सिंड्रोम्स कहते हैं या जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करे तो उसे प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक गोल्जी परिसर में क्रियागत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिस्टर्नी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और फूलों को नारंगी और नीले रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट, व्याख्या है, क्रोमोप्लास्ट फलों और फूलों को नारंगी, भूरे, लाल और पीले रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट सामान्यतः पुष्पों के दलों या फलों के भित्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं, इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले बर्डक पर्ण हरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। बैक्टीरिया नील हरी शैवाल, लाल शैवाल व कवकों को छोड़कर सभी पादपों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन व अनियमित आकार के होते हैं, यह अधिकांशतः पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है इस पर, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, गुणसूत्रों को मेटाफेज अवस्था में गिना जा सकता है क्योंकि इस समय तक गुणसूत्र दंडाकार संरचना में होते हैं, कोशिका के मध्य भाग या एक्टिवेटर पर होते हैं तथा सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, कार्क कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी मृत। कार्क कैम्बियम द्वारा बाहर की तरफ बनने वाले कोशिकाएं कार्क बनती हैं। परिपक्व कोशिकाएं मृत आकार में आयताकार तथा अरीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसमें इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति मोटी तथा सुवर्ण युक्त होती है, इसी कारण जल के लिए अपारगम्य अम्ल रोधक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आंतरिक अनुबंधन में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, ऑप्शन नंबर बी बेसिडियो कार्प, व्याख्या, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है बेसिडियो कार्प कहलाता है। बेसिडियो कार्प एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है जो कवक में पाई जाती है। यह वर्ग बेसिडियो माइसिस की प्रमुख विशेषता है। यह एगारिकस नामक कवक में पाया जाता है। नेक्स्ट, वानस्पतिक सर्फ है, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट, प्रोटोनेमा पाया जाता है, इसके जीवन चक्र में, ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया, इसकी व्याख्या है, व्याख्या पढ़ते हैं। प्रोटोनेमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। जीवाणु अंकुरण के पश्चात भूमि पर रेंगने वाली शाखित शैवाल के तंतु के समान संरचना बनाते हैं, परंतु पटयुक्त होते हैं तथा इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलते हैं। इनकी कुछ शाखाएं मूलाभास की भांति जमीन के अंदर चली जाती हैं। कुछ शाखाएं सीधी पत्रवत कलियों का निर्माण करती हैं जो बाद में विकसित होकर गेमिटोफोर बनाती हैं। इसके पश्चात प्रोटोनेमा नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है इससे, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, व्याख्या है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो रोसेला स्मोटाग्नी और ला साल्वा पास्टालाटा नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कवक पर्ण हरिम रहित, संवाहन ऊतक रहित एवं केंद्र युक्त होते हैं। इनमें जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका शरीर सुकाय सदृश होता है, अर्थात जड़ तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं रहता है। पर्ण हरिम की अनुपस्थिति के कारण ये सदैव परपोषित होते हैं तथा अपना जीवन परजीवी सहजीवी तथा मृत जीवी की तरह व्यतीत करते हैं।
इनमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। शैवाल प्रायः पर्णहरिमयुक्त शंवाहन ऊतक रहित भ्रूण रहित आत्मपोषी सेल्युलोस भित्ति वाले होते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा यकृत। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत में होता है। इसके अलावे यकृत में हेपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में यकृत RBC का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन ए डी व लोहा तांबा संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा रतौंधी। विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग होता है। स्रोत इसका मुख्य स्रोत दूध मक्खन अंडों की जर्दी जिगर मछलियों के तेल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 गोल कृमि के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी फाइलेरियासिस। व्याख्या है गोल कृमि के कारण फाइलेरियासिस रोग होता है। फाइलेरियासिस रोग का मुख्य कारण बाउचेरिया बैंक्रप्टाई नामक निमेटोड है। अमीबियासिस नामक रोग एस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। लेप्रोसी रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। पोलिया पोलियोमाइलिटिस नामक यह रोग पोलियो में लाइटिस नामक वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस पौधे की छाल में मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा सिनकोना। सिनकोना पौधे के छाल में क्यूनिन नामक दवा पाई जाती है जिससे मलेरिया नामक रोग का उपचार होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का 125 पोलियो प्रतिरक्षा टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सास्क। पोलियो प्रतिरक्षी टीका डॉक्टर साल्क द्वारा विकसित किया गया जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।